बंदरा प्रखंड के मुन्नी बैंगरी पंचायत में सड़क के जर्जर होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों में लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों का बताना है कि बैंगरी चौक से मदरसा तक जाने वाली सड़क का निर्माण हाल के दिनों में ही कराया गया था, लेकिन सड़क निर्माण की प्रक्रिया के बाद ही यह सड़क फिर से पुरानी स्थिति में लौटने लगा। लोगों का बताना है कि इस सड़क का निर्माण चौक से लेकर गांव तक कराया गया, लेकिन मदरसा तक जाने वाली सड़क का पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं कराया गया। हमारे मुन्नी बैंगरी पंचायत में वार्ड नंबर 4-5 दोनों मिला करके हमारा चौक बैंगरी चौक पर से लेकर के और वहाँ लास्ट पोजीशन जो है हमारे गांव का बैंगरी वहाँ तक 1200-1300 फीट पड़ता है। उसमें रोड का जो प्रोग्राम है, रोड कभी भी सही से नहीं भरा पाया, कभी सोलिंग लगता है तो सोलिंग उखड़ जाता है। उसके बाद अभी फिलहाल इसमें टेंडर पास हुआ था जिसमें रोड़ा उड़ा मिट्टी उट्टी लगा था, मिट्टी उट्टी लगा, उसके बाद बरसात हुआ, बरसात के कारण पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसके कारण पूरा मिट्टी रोड़ा तहस नहस हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके वजह से निर्माण की प्रक्रिया के कुछ दिनों बाद से ही सड़क फिर से जर्जर होने लगी, सड़क टूटने लगे, लिहाजा सड़क पर चलना मुश्किल है। ये गिट्टी 3 महीना से है और रखा, उसके बाद बरसात हुआ, ये सब फिर गिट्टी से जो है सब उखड़ गया, सारा मिट्टी भस गया, पहले जैसा था वैसा ही हो गया। लोगों का बताना है कि दूसरी तरफ नल जल योजना का गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ, जिसके वजह से नल जल योजना का पानी भी सड़क पर ही बह रहा है। एक तरफ घटिया निर्माण की वजह तो दूसरी तरफ नल जल योजना का पानी सड़क पर बहाव को लेकर लगातार सड़क जर्जर होता जा रहा है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है जिस पर सफर करना काफी मुश्किल है। परेशानी होती है चलने में, राही मुसाफिर, नमाज पढ़ने वाला को, हिंदू धर्म जो पूजा करने वाला है वो सही समय से नहीं पहुँच पाता है। हमारे बीच गाँव में हमारा मस्जिद है जो नमाजी जो है लास्ट टोला से लेकर के और 4-5 दोनों में हिंदू मुसलमान दोनों फेटे हुए हैं, मिक्सिंग है, जो यहाँ से वहाँ ले नमाजी है, चाहे जो हिंदू धर्म के आदमी है सही समय से अपने तीर्थ पर नहीं पहुँच पाते हैं, अजान पड़ जाता है फिर भी नमाज पर नहीं पहुँच पाते हैं, अपने घर में नमाज पढ़ लेते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है। जो है अगर मान लिया कि वजू बना के जाते हैं, गंदा पानी अगर शरीर पर पड़ गया तो वजू टूट जाता है, हिंदू धर्म है, अगर नहा धोवा के जाता है तो उसका नपाकी हालत में कैसे जाएगा मंदिर, कैसे जाएगा मस्जिद। लोगों का बताना है कि मदरसा एवं आसपास के एरिया में सिर्फ गिट्टी बिछा दिया गया, लेकिन यहाँ पिचिंग का काम नहीं हुआ, जिसके वजह से इन गिट्टी युक्त सड़क पर चलने से लोगों को परेशानी हो रही है, लिहाजा यहाँ लगातार छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। 8 महीना से है ये रोड ऐसा ही परेशान। घटना हुआ था एक, मतलब वहाँ वो शुरू नाव में जो जहाँ से आप आए हैं वहाँ मोटरसाइकिल से पानी में गिर करके घटना हुआ था, हजम टोली से लेकर के और वहाँ तक 1200 फीट है शायद। हमारे घर पर पत्थर गिरता है, ठेस लगता है, फूट जाता है, हमारे से चलते हैं तो गिर जाता है ठेस लग के। रोड पे रोड नहीं बना है, नहीं। लोगों का आरोप है कि एक तरफ जहां सड़क निर्माण एजेंसी के द्वारा इस सड़क के निर्माण का काम पूरा नहीं कराया गया, वहीं जो काम कराए गए उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं थी, जिसके वजह से सड़क निर्माण के बाद से ही टूटने लगा, लिहाजा इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में गहरी नाराजगी है। परेशानी है, पैदल चलने में है, साइकिल से चलने में, गाड़ी से चलने में, हर चीज में तो बहुत परेशानी है। कहाँ तक रोड जाती है? यहाँ से जो है वहाँ कब्रिस्तान तक है रोड, दिक्कत है, रोड़ा करता है, चलने में परेशानी होता है, और का कम करता है कि 4-5 महीना हो गया है अभी कोई सुनवाई नहीं, गाड़ी घोड़ा सब में आने में दिक्कत होता है, रोड़ा रोड़ी है, साइकिल पंक्चर होता है, गाड़ी पंक्चर होता है, इसमें परेशानी बढ़ जाता है। इस मामले की शिकायत स्थानीय अधिकारियों से भी की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा सड़क की समस्या इस गांव में बरकरार रह गई। स्थानीय लोग परेशान हैं और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग फिर से तेज कर दी गई है।